रहमानी रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ राजमा चावल, जिसमें पड़ने वाले इंग्रेडिएंट्स ये सारे हैं। सबसे पहले ये 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है। ये है थोड़ा सा नमक जितना आप खाएं। ये है 2 मीडियम साइज के टमाटर जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। ये 2 इंच अदरक ली थी, इसको भी रफली चॉप कर लिया है। ये चार पांच लहसुन के जवे हैं। ये 4 से 5 हरी मिर्च है, इसको भी बारीक काट के रखा है। और ये थोड़ी सी हरी धनिया है। ये 1 मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको भी रफली चॉप कर लिया है। ये 1 नींबू है, इसका रस निकाल के रख लिया है। ये 1.5 चम्मच ज़ीरा लिया है इस चम्मच से। और ये है 250 ग्राम भीगा हुआ राजमा, जिसे हमने 7 से 8 घंटे पहले भिगो के रख लिया था और फिर इसको पकाते टाइम इसका एक बार पानी और निकाल लिया है। ये है 1 तेज़पत्ता, थोड़ी सी दालचीनी की लकड़ी। ये है 1 कप चावल जिसको 1 घंटा पहले मैंने भिगो के रख दिया है, इस कप से लिया है। अब चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ पकाना। सबसे पहले हम राजमा उबालेंगे, इसके लिए मैंने राजमे को कुकर में डाल दिया है पानी के साथ। अब इसमें 1 तेज़पत्ता और इतनी सी दालचीनी की लकड़ी मैं डाल दी। अब इसमें हम थोड़ा नमक डालेंगे। नमक डाल के कुकर का ढक्कन लगा देना है और 20 मिनट तक इसको पकने देना है। 20 मिनट में ये राजमा गल जाएगा। ये छोटा राजमा है, ये बहुत टेस्टी बनता है। और अब मैंने राजमा गलने के लिए कुकर में चढ़ा दिया है एक साइड में, और एक साइड में मैं जीरा राइस बना रही हूँ, जिसके लिए सबसे पहले मैं एक पतीली में घी डालूँगी। घी गर्म हो चुका है, अब इसमें 1 टीस्पून जीरा पड़ेगा। जीरा चटक रहा है, अब हम इसमें ये भीगे हुए चावल डाल रहे हैं। ये 1 कप चावल में 2 कप पानी है इस कप से, और इसमें थोड़ा सा सॉल्ट जाएगा। हाफ टी स्पून सॉल्ट जाएगा। अब इसमें 1 नींबू का रस जाएगा। नींबू का रस डालने से चावल का कलर भी बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी चावल का बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसका ढक्कन ढकते हैं। चावल अब दम पे है, इसका पानी पूरा रुक चुका है, बस इसको थोड़ा सा और टाइम लगेगा। 2 मिनट में ये चावल रेडी हो जाएंगे। हल्की सी कमी रह गई है, हम इसको ढकते हैं और दम लगने देते हैं। इस पैन में अब हम तेल डाल रहे हैं। अब हम राजमे का मसाला तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले इस पैन में तेल पड़ेगा। हम इसमें 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे। जीरा ब्राउन हो गया है, लाइट ब्राउन कलर आ गया है। अब इसमें हम चॉप किए हुए टमाटर डालेंगे। ये है प्याज। ये कुछ लहसुन है, लहसुन के जवे, और ये कटी हुई अदरक है। अब हम इसमें इसको सौते करेंगे। बहुत ज्यादा नहीं पकाना है। अब आप देख सकते हैं ये प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन ये सौते हो चुका है। बस इसको और ज्यादा ओवर कुक नहीं करना है, और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ठंडा होने पे इसे पीसेंगे। तो ये राजमा जो है गल चुका है, देख सकते हैं आप। अब इसमें से आधा राजमा हम मैश करके डालेंगे और आधा खड़ा डालेंगे।
और एक साइड में हम मसाला भून रहे हैं। तेल गर्म हो गया है, अब सौते किया हुआ मसाला मैंने पीस लिया है, ठंडा हो चुका था, अब हमने इसको पीस लिया है और इसमें डाल रहे हैं। ये है धनिया पाउडर, ये है मिर्च का पाउडर और ये है हल्दी पाउडर। नमक बाद में पड़ेगा, मसाला भुन रहा है। अब हम इसमें ये कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और इसको थोड़ी देर और पकने देंगे, 2 से 3 मिनट और लगेगा इसको भुनने में। ये पंजाबी स्टाइल राजमा है, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। भुना हुआ मसाला अब हम इस भगोने में डाल दें। अब हम इसमें ये उबले हुए राजमे को डाल देंगे। थोड़ा सा राजमा हमने इस तरह से मैश करके रखा था, वो भी इसमें डालेंगे। हल्का सा मैश करना है, इससे इसकी ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है थोड़ी। अब इसमें हम सारी चीजें डाल चुके हैं, अब हम इसे 10 से 15 मिनट तक पकने देंगे। एकदम गाढ़ी ग्रेवी हो गई है। अब हम इस पे कसूरी मेथी डालेंगे थोड़ी सी और इसको चला के और फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और इसे डिश आउट करेंगे। अब ये राजमा और चावल बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब हम इसे गार्निश करेंगे। गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा इसमें मक्खन डालेंगे और हरी धनिया और थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्ची पड़ेंगी। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।